नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिस साइंटिफिक हिंदू पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। मंत्र विज्ञान में थोड़ा सा ही प्रवेश पाकर विदेशी लोग दंग रह गए हैं। मंत्रों में गुप्त अर्थ और उनकी शक्ति होती है। एक छोटे से सिम से जुड़कर विदेश में आराम से बात कर सकते हैं। जब फोन के बटन दबाते हो तो वह कृत्रिम उपग्रह से जुड़कर अमेरिका में घंटी बजा देता है। यंत्र में इतनी शक्ति है तो मंत्र में इससे कई गुना ज्यादा शक्ति है, क्योंकि यंत्र तो मानव ने बनाया है जबकि मंत्र की रचना किसी ऋषि ने भी नहीं की है। मंत्र तो ऋषियों के पहले से भी है, उन्होंने मंत्र की अनुभूतियां की है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पैदा हुई सबसे पहली ध्वनि थी ओम, जिसने आकाश, पृथ्वी, पाताल, समस्त जगत को गुंजायमान कर दिया था। इस पवित्र ध्वनि की महिमा और प्रभाव का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ओम के माध्यम से न सिर्फ शारीरिक विकार दूर किए जा रहे हैं, बल्कि नशे के गर्त में डूब रहे युवाओं को सही राह पर लाने के लिए इस पवित्र ध्वनि का प्रयोग किया जा रहा है। डॉक्टर लिवर लिजेरिया व दूसरे चिकित्सक कहते हैं कि हीम, हरि, ओम आदि मंत्रों के उच्चारण से शरीर के विभिन्न भागों पर भिन्न भिन्न असर पड़ता है। डॉक्टर लिवर लिजेरिया ने तो 17 वर्षों के अनुभव के पश्चात यह खोजा कि हरि के साथ अगर ओम शब्द को मिलाकर उच्चारण किया जाए तो पांचों ज्ञानेंद्रियों पर उसका अच्छा लाभ पड़ता है। वह निसंतान व्यक्ति को मंत्र के बल से संतान भी प्राप्त हो सकती है, जबकि हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने इससे भी पहले अधिक जानकारियां हजारों लाखों वर्ष पहले शास्त्रों में वर्णित कर दी थी। ब्रिटेन के एक साइंस जर्नल में प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वहां पर ओम की महत्ता स्वीकार की गई है। उसमें कहा गया है, आंतरिक बीमारियां जिनका इलाज आज तक मेडिकल साइंस में उपलब्ध नहीं है, उनमें केवल ओम मंत्र के नियमित जप से आश्चर्यजनक रूप से कमी देखी गई है। खासकर पेट, मस्तिष्क, हृदय संबंधी बीमारियों में ओम का जाप रामबाण औषधि की तरह काम करता है। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रमुख डॉक्टर मॉर्गन और उनके सहयोगियों द्वारा 7 साल से हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह ओम के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने मस्तिष्क और हृदय की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 2500 पुरुषों तथा 2000 महिलाओं को परीक्षण के दायरे में लिया। इन सारे मरीजों को केवल वे ही दवाइयां दी गई जो उनके जीवन को बचाने के लिए जरूरी थी, बाकी सारी दवाइयां बंद कर दी गई। प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा इन लोगों को साफ, स्वच्छ, खुले वातावरण में योग प्रशिक्षकों द्वारा ओम का जाप करवाया गया। इस दौरान उन्हें विभिन्न ध्वनियों और आवृत्तियों में ओम का जप करने को कहा गया। हर 3 महीने बाद मस्तिष्क, हृदय अलावा पूरे शरीर का स्कैनिंग किया गया। 4 साल तक लगातार ऐसा करने के बाद जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली थी। लगभग 70% पुरुषों और 82% महिलाओं में ओम का जप करने से पहले जिन बीमारियों की स्थिति थी उसमें 90% तक की कमी दर्ज की गई। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रभाव सामने आया, वह है नशे से मुक्ति का। नशे के आदि हो चुके लोगों ने भी ओम के जप से नशे की लत को दूर किया। प्रोफेसर मार्गन का सुझाव था कि स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन ओम का जाप करके उम्र भर बीमारियों को दूर रख सकता है। प्रोफेसर मार्गन कहते हैं कि विभिन्न आवृत्तियों और ध्वनियों के उतार चढ़ाव से पैदा करने वाले कंपन मृत कोशिकाओं में पुनर्जीविता पैदा करते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ओम के जप से मस्तिष्क से लेकर नाक, गला, हृदय और पेट में तीव्र तरंगों का संचार होता है। इस कारण पूरे शरीर में रक्त का संचरण भी सुव्यवस्थित होता है। अधिकांश बीमारियां रक्त दोष से पैदा होती हैं। इसलिए ओम का जप रक्त विकार को भी दूर करके स्फूर्ति बनाए रखता है। यह हम नहीं कह रहे, यह विदेशी कह रहे हैं। प्रोफेसर जे मार्गन और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए इस अनुसंधान से विश्व के लोगों का ध्यान हमारे मंत्रों और हमारे धर्म ग्रंथों की तरफ आकृष्ट हो रहा है। हजारों वर्ष पूर्व से हमारे शास्त्रों में ओम के विषय में विलक्षण जानकारियां उपलब्ध हैं। ओम के लगातार जप करने से शरीर और मन एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।